आपको हम खबर दिखा रहे हैं छोटा सा महेंद्र से, जहां पे आज उर्स मुबारक का दूसरा दिन था और आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पे आज का दिन जो था, आज बारिश नहीं थी और काफी जायरीन ने आज इस उर्स में शमूलियत की। एक रिपोर्ट। ये तीन रोज़ा, दो रोज़ा उर्स शरीफ था। पहले दिन खतमात शरीफ का दिन था, लेकिन खतमात शरीफ वाले दिन भी पहली बार इतना रश हुआ कि हमारे खतमात शरीफ में भी हैवी रश था। और आज ये शाम को इवनिंग में इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा उर्स शरीफ। तो रियासत भर से यहाँ पर ज़ायरीन आए। ये छोटे शाह अली रखमा एक तारीखी ज़ियारत है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और ज़ायरीन की काफ़ी तादाद थी। हमने इंतज़ाम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ज़ायरीन ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आए। खुशी की बात है कि पहली बार ज़ायरीन इतनी तादाद में आए और मुस्तफ़ीद हुए और रियासत में अमन व शांति के लिए ज़ायरीन ने दुआ की। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे उलिया के वसीले से रियासत में अमन बहाल रहे, लोगों के दरमियान इत्फाक व इत्तेहाद रहे। यही लोगों ने भी दुआ की और हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला रियासत में अमन व शांति कायम रहे इन उलिया अल्लाह के वसीले से। तो बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो है पुंछ से, जहां पे आज चीफ प्लानिंग ऑफिसर पुंछ जो थे सेवाराम, वो आज रिटायर हुए। इस मौका पे उन्हें डिपार्टमेंट की जानिब से एक बेहतरीन पार्टी जो थी डिप्टी कमिश्नर हाल पुंछ में दी गई, जहां पे डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और जो थे वही स्टाफ और दीगर ऑफिसरान को भी देखा गया। जिस जानबदारी से काम किया तो वो मुझे लगता है उसकी बहुत कम मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स आई, जिसमें कुछ रिव्यूज आए, मिनिस्टर्स के दौरे थे, फिर हमारी बोर्ड मीटिंग भी आई। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर थी। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो बहुत कम लोगों में होती है, काम तो चलो करते हैं, बहुत से लोग काम करने वाले भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर जितना पेशेंस और जितना ठहराव है वो आपको बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलेगा। इस एज में जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने देखा कि कभी तक नहीं मैंने देखी इनके अंदर। एक दिन में ऐसा हुआ कि रात को काम चलता रहा, बोर्ड मीटिंग के बारे में थी, प्रेजेंटेशन वगैरह थी और कई सारे इश्यूज थे। तो मैंने देखा कि जब इनको बुलाया तो रेजिडेंस पर लेकर आए पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह, तो कहीं पर भी आपको ये इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि इनको कहीं थकावट हो गई है या दिन भर काम करते रहे। जैसे रात के 10 बजे तक काम कर रहे थे। मैंने अक्सर देखा है जब लोगों की रिटायरमेंट आती है तो एक्चुअल रिटायरमेंट से तकरीबन 6 महीना पहले ही सोचते हैं कि हम रिटायर हो चुके हैं, मेंटली रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मैंने सेवाराम जी की ये चीज देखी कि लास्ट मोमेंट तक, इस मिनट तक भी शायद अभी रिटायर नहीं हुए हैं। मेंटल रिटायरमेंट अगर आप देखें, बिल्कुल मैं इस बात के आपको मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े अहतमान से ये बात बोलता हूँ कि मेंटली लोगों की रिटायरमेंट एक्चुअल रिटायरमेंट से 6 महीने, कभी कभी साल भी पहले हो जाती है, काम करना लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूँ इस बात की कि एक दिन पहले भी इनके अंदर वही लगन, वही कमिटमेंट थी जो कभी जो कैरियर इंसान स्टार्ट करता है तो वो कमिटमेंट होती है। दिखा रहे हैं फजलाबाद एरिया से, जहां पे पुल की जो अबटमेंट है उसके करीब पानी जब जाता है तो उससे पुल को एक खतरा बना रहता है, इसलिए वहां के लोकल लोगों ने ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि यहां पे जो है कोई बांध बनाया जाए जिससे कम ये पुल जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। एक रिपोर्ट। 5-8 दिन से बारिश बनती रही तो आज सुबह से बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, तो कुछ लड़के इधर दरिया पे आए देखने के लिए तो बहुत तूफानी नाला आया हुआ था, दरिया आया हुआ था, तो उसमें हम भी देखने के लिए आए। मैंने देखा कि यहाँ जो पुल बना है 4-5 करोड़ रुपए का, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, साथ में पत्तियाँ पड़ रही हैं, तो ये नुकसान अगर हो गया तो तकरीबन 25,000 की आबादी, 30,000 की आबादी है फजलाबाद से बहर तक,
इन लोगों के लिए मुश्किलात हो जाएगी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसका कोई प्रोटेक्शन या कोई इसका साधन किया जाए ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो जाए और ये डैमेज होने से बच जाए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक पस मंजर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम जो भी खबर पहुंचाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएं।